दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, हार के बाद बौखलाए नरेंद्र मोदी ने अंतिम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया को दी बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मुकाबले से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को फटकार लगाई है और ऑस्ट्रेलिया को फटकारते हुए अंतिम मुकाबले से पहले एक ऐसा अपमानजनक बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को आईना दिखाते हुए अंतिम मुकाबले से पहले कौन सा बड़ा बयान जारी किया है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा में से कौन बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम सीरीज को जीतने के लिए अहमदाबाद के मैदान पर अंतिम मुकाबला खेलने के लिए उतरने वाली है, जहां पर भारतीय टीम ने पहले तीन मुकाबलों में से शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में ना हारने का संकल्प हासिल कर लिया था। ऐसे में नागपुर के मैदान पर भारतीय टीम ने 132 रन और एक पारी के दम पर जीत हासिल करी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर भी भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापसी करते हुए इंदौर के मैदान पर 9 विकेट से जीत हासिल कर ली और ऐसे में अब 9 मार्च को अंतिम मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीरीज में बराबरी करने के लिए किसी भी कीमत पर जीत चाहिए, तो वहीं भारतीय टीम को लगातार तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने घर में रखने के लिए जीत चाहिए। ऐसे में अंतिम मुकाबला को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारतीय सरजमी पर आने वाले हैं और इसे मुकाबले के शुरू हो जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनसनीखेज बयान दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम बड़े ही आसानी से मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत है और भारतीय टीम को हराना इस समय किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि अगले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। भारतीय टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज संतुलन के साथ एक साथ प्रदर्शन करेंगे, जिसके दम पर भारतीय टीम बड़े आसानी से अंतिम मुकाबले में जीत हासिल करते हुए सीरीज को भी अपने नाम कर लेंगे। ऐसे में भारतीय टीम को दिक्कत लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अगले मुकाबले में भारत आराम से जीत जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों विभागों ने मिलकर बड़े आसानी से टीम को संभाल कर रखा था। दोनों विभाग ने बड़े आसानी से भारतीय टीम को मुकाबले में भी जिताए हैं। दोनों तरफ से भारतीय टीम ने बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। ऐसे में भारतीय टीम को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा कमजोर समझ लिया था, जिसके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन अब अगले मुकाबले में भारतीय टीम को उन्हीं कमजोरियों को ताकत में बदलकर आगे बढ़ना होगा और मुझे लगता है कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से अगले मुकाबले में जीत हासिल करेगी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक बार फिर से अपने घर में रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया को उसकी असली औकात भी दिखा देंगे, जिसके लिए हम भी इस मुकाबले को देखने के लिए जाने वाले हैं और भारत का प्रोत्साहन करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस सीरीज को भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।